हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, सॉन्ग या वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। आप इसकी मदद से अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं अब कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों, ये ओपन हो गई है। सिंपल सा इसका इंटरफेस है। अगर सामने देखें तो यहाँ पे लिखा है ओपन। अगर ओपन पे मैं क्लिक करूँ तो ये हमें मोबाइल के इंटरनल एक्सप्लोरर में ले जाएगा। यहाँ से हम अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्ले करके एक बार सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उसके बाद कॉर्नर पे तीन डॉट्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में जाने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है नॉर्मलाइज का, नॉर्मलाइज पे अगर क्लिक करें तो ये हमारी ऑडियो की लेवलिंग कर देगा। अब प्ले करके फिर सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उसके बाद फिर तीन डॉट्स पे जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है रिवर्स का, अगर रिवर्स पे क्लिक करें तो ये ऑडियो को रिवर्स कर देगा, लेकिन अभी इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें अपनी ऑडियो को रिवर्स नहीं करना। उसके नीचे जो ऑप्शन है चेंज पिच का, अगर चेंज पिच पे जाए तो ये आवाज का जो पतलापन है ये उसकी एडजस्टमेंट करता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ से इसको प्ले करके सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि मेरी वॉइस जो है अभी ठीक हो गई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद फिर तीन डोर्स पे जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और उससे नीचे जो ऑप्शन है चेंज टेम्पो का, अगर चेंज टेम्पो पे जाएं तो ये आवाज़ का जो भारीपन है ये उसकी एडजस्टमेंट करता है। इसमें भी सेम वैसे ही है, हम इसको प्ले करके सुन भी सकते हैं। उसके बाद फिर तीन डॉट्स में, इफेक्ट्स में और इससे नीचे जो ऑप्शन है चेंज स्पीड का, अगर चेंज स्पीड पे जाएं तो ये हमारी ऑडियो की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। तो आप अपनी मर्जी से जहां पर आपको ठीक लगे अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर तीन डॉट्स में, इफेक्ट्स में नीचे जो ऑप्शन है नॉइज रिडक्शन, जो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त फीचर है इसका, ये हमारी ऑडियो की बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर देगा। यहाँ पे इसका रेट थोड़ा सा कम ले कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उसके बाद फिर तीन डॉट्स में, इफेक्ट्स में अगर कंप्रेसर पे क्लिक करें तो ये हमने कभी ऑडियो में तेज बोला होता है, कभी स्लो बोला होता है, तो ये उसकी एडजस्टमेंट करता है। यहाँ से इसका रेट थोड़ा कम या ज्यादा कर लें आप अपनी मर्जी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उसके बाद फिर तीन डॉट्स में, इफेक्ट्स में से नीचे जो ऑप्शन है इक्वलाइजर, इक्वलाइजर में ये ऑडियो की बेस की एडजस्टमेंट करता है, तो इसको भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद फिर तीन डॉट्स में, इफेक्ट्स में अगर इको में जाएं तो ये हमारी बैकग्राउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। यहाँ से इसका रेट थोड़ा कम ज्यादा कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है रिकॉर्डर का,
विकोटर की इतनी सिंपल सी एडिटिंग में जरूरत नहीं होती तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ से सेव का ऑप्शन है तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी वॉइस का जो ऑडियो आपने ऐड किया है इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, नाम रख कर इसको यहाँ से डन कर दें और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों आप इस ऐप की मदद से अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।